कॉलेज में थी ना तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बड़ा टीज करते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज है मंडे तो होप करती हूँ आपने वीकेंड भी बहुत इंजॉय किया होगा। इस बार हमारा वीकेंड सो था बिकॉज सैटरडे अंशुल वॉज वर्किंग, तो संडे ही एक दिन था जब हमने बस घर पे रह के चिल किया, आराम किया, कुछ भी काम नहीं किया। सैटरडे को हमारे घर गेस्ट आए थे जिसकी मैंने प्रॉपर मेन्यू प्लानिंग की थी और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी। अभी अभी जस्ट मैं वो वीडियो एडिट करके आई हूँ। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। और अगर ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी वीडियोस आप पसंद कर रहे हो तो ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो प्लीज़ लाइक करा करिए, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए। मैं हर एक बंदे को जाके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे कनेक्शन बनाना आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने फास्ट रखा है काफ़ी टाइम बाद। मैं मंडे का फास्ट रखती थी स्कूल डेज से, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड तब मैंने स्टार्ट किया था। एंड कॉलेज और शादी तक मैंने फास्ट रखा, शादी के बाद मैंने छोड़ दिया था बिकॉज तुरंत मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में फास्ट नहीं रखा। उसके बाद गोविंद को फीड कराती थी तब फास्ट नहीं रखा। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फिट हूँ, तो मेरे को फास्ट रखना चाहिए। तो मैंने फिर से मंडे का फास्ट स्टार्ट किया है और सुबह से मैं जस्ट फ्रूट्स और लस्सी वगैरह मैंने ली है। और डिनर में मैं अपना फास्ट खोलूँगी जब एज अ फैमिली हम लोग साथ में मिलकर डिनर करेंगे। आपको पता है जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी ना, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बड़ा टीज करते थे कि है कि तू मंडे का फास्ट इसलिए रखती है बिकॉज तुझे बहुत अच्छा हस्बैंड चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न होता है। आई थिंक मंडे का फास्ट हस्बैंड्स के लिए ही होता है। मुझे उस टाइम पे कोई रीज़न वगैरह नहीं पता था। मेरी मम्मा फास्ट रखती थी और उन्होंने बोला कि बेटा तुम भी रखा करो, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया था। तो अब मुझे पता चलता है कि हाँ वो हस्बैंड्स के लिए होता है। और शायद नोइंगली अननोइंगली मैंने प्रे किया था कि मुझे बेस्ट हस्बैंड मिले और फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली और अंशुल को मेरा लाइफ पार्टनर बनाया। आई एम रियली हैप्पी। फास्ट के दिन ना हम लोग प्याज नहीं खाते, तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ पालक कढ़ी। इसकी रेसिपी बिल्कुल प्याज बेसन जैसी होती है, बस प्याज की जगह इसमें पालक डल जाएगा तो इसे पालक कढ़ी कहते हैं। और आलू परवल बना रही हूँ, तो बहुत ही सिंपल डिनर रहेगा आज का। और मंडे के फास्ट के लिए ना मैं ऐसा नहीं करती कि मैं व्रत स्पेसिफिक खाना ही खाऊं जैसे हम नवरात्रि में करते हैं, जैसे कूटू का आटा या फिर साबूदाने की खिचड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। मंडे का फास्ट मैं नॉर्मल अपना जो घर का खाना होता है उसी को खा के करती हूँ। सबसे पहले मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बहुत ही बेसिक सब्ज़ी है और इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करी है। आज मैं इसमें किचन किंग मसाला नहीं ऐड करी क्योंकि आप ही लोगों ने बताया था उसमें अनियन पाउडर होता है। तो बस बेसिक मसाले ऐड किए हैं और साथ ही साथ मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ बनाने के लिए क्योंकि अंशुल आ गए हैं और हमारा इवनिंग टी टाइम हो चुका है। और यहाँ पे मैं अपनी पालक कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो बस थोड़े से घी में मैंने हींग और जीरा डाला है, उसके बाद जिंजर मैंने ग्रेट करके डाली है, ग्रीन चिलीज और पालक। पालक जब अच्छे से पक जाएगी पानी छोड़ देगी, बहुत ही जल्दी पक जाती है, दो पालक 3-4 मिनट में ही पानी छोड़ देती है। उसके बाद मैं इसमें बेसन और दही का घोल मिलाऊंगी। मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें 1.5 कप दही डाल के 4 ग्लास पानी डाला है, लाइक 4 कप पानी डाला है। तो 3 कप मैं अभी इसी के साथ डाल रही हूँ और 1 कप मैं ऊपर से पानी डालूंगी। बिल्कुल कढ़ी वाली ही रेसिपी है इसकी, बट ये पालक के साथ बना रहे हैं हम और कढ़ी जो है पकौड़े के साथ हम बनाते हैं। बट ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब तक ये बॉयल ना हो जाए तब तक आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा क्योंकि दही और दूध वाली सब्जियों को चलाते चलाते अगर आप नहीं पकाएंगे तो वो फटने का डर रहता है उसका। और बस जब बॉयल आ जाएगा तो आप इसमें अपना नमक डाल दीजिए और ऊपर से मैं एक तड़का भी बनाऊंगी कढ़ी के लिए। तो मैंने थोड़े से घी में जीरा डाला है और बस लाल मिर्च। और देखिए इससे कढ़ी का टेस्ट तो दुगना होता ही होता है, लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगने लगती है कढ़ी। और जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ तभी अपने साइड के काम भी निपटा लेती हूँ, जैसे कि ये मुझे आज पनीर रखना था फ्रीज़र में से निकाल के, थोड़ा सा फ्रिज में रखूँगी थोड़ा फ्रीज़र में रखूँगी, तो ये सब काम भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ जिससे कि बार बार मुझे किचन में ना आना पड़े।
और धनिया मैंने वीकेंड पे लिया था संडे को, तो टाइम नहीं मिला इसे क्लीन करके रखने का, वरना मैं ये सब वीकेंड पे ही कर लेती हूँ, बट अभी कर रही हूँ ये। आप ट्राई करें जब आप धनिया लाएं तो एक दो दिन में ही उसे क्लीन करके किचन टॉवल में रैप करके रखें, उससे धनिया आपका ख़राब नहीं होएगा। आज पता है बाहर ना थोड़ी सी धूप है, तो अभी तक इसके कोई फ्रेंड्स नहीं आए खेलने के लिए, तो मैं इसे थोड़ा सा पढ़ाने के लिए लेके बैठी हूँ। पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा वर्क करते हैं हम, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, बुक्स देखते हैं, आपको पता ही है, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ओरल प्रैक्टिस तो मैं वैसे ही उसको कराती रहती हूँ। बीइंग एन इंडियन पेरेंट ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा पढ़ाई करे, मेरा इंक्लिनेशन तो टूवर्ड्स पढ़ाई ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों की वही मेंटालिटी होती है ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मैं पूरी तरीके से गोविंद को वैसा नहीं बनाना चाहती, बट थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा है मेरा पढ़ाई की तरफ। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से नोटबुक में ना उसके लिए ऐसे वर्कशीट्स बना देती हूँ, लाइक स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स का, कर्व लाइन्स का, और फिर उसको ट्रेसिंग कराती हूँ। तो यही सब चल रहा है। और यस, उसके प्री स्कूल भी हम लोग देख रहे हैं आसपास कि कुछ प्री स्कूल का इसका सेटअप हो जाए, बट अभी क्या है कि समर वेकेशंस चल रही हैं हर जगह, और जाएगा गोविंद प्री स्कूल में। गुड, चलो अब ये वाली लाइन बनाएंगे हम, बनाओ ये वाली ऊपर से बनाओ यहाँ से। गुड जॉब, गुड। अभी 7:10 हुआ है और बाहर धूप देखिए कितनी तेज़ है, तो इसीलिए शायद आज गोविंद का कोई भी फ्रेंड नहीं आया, तो वो थोड़ा सा घर में बोर हो रहा था और उसने अपनी वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली, तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी इसको बाहर ले जाते हैं। तो वो अभी बाइक राइडिंग कर रहा है और मैं और अंशुल वॉक कर रहे हैं। अभी हम लोगों को डिनर करना है घर जाके, बट यू नो जब धूप निकली होती है ना, तो डिनर करने का भी मन नहीं करता, वो फीलिंग ही नहीं आती कि डिनर का टाइम हो गया। तो इसीलिए दो मुझे भूख लग रही थी, बट मैंने कहा मैं अभी नहीं कर सकती, धूप निकली हुई है बाहर, तो थोड़ी देर बाद करेंगे डिनर, इसीलिए बाहर आ गए अभी। और मैं शर्ट पहन के आई हूँ क्योंकि थोड़ा एक्जिमा मुझे हो जाता है जिस दिन ज़्यादा धूप होती है। और लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं लेक के पास। बस अब मैं डिनर रेडी करूंगी, मेरा फूड वगैरह सब रेडी हो गया है, सब्जी वगैरह सब रेडी है मतलब, और सिंक वगैरह मैं क्लीन कर देती हूँ, मेजर जो बर्तन होते हैं ना बड़े बड़े वो सब क्लीन हो जाते हैं, और अब रोटी बनाएंगे, और जो बस खाने वाले बर्तन होते हैं ना वो लास्ट के बचते हैं और वो फिर अंशुल कर लेते हैं। बस मेरा लास्ट काम होता है रोटी बनाने का, और उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाती है किचन से। आप में से काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने सोचा जो मेरा सिंपल सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। मैं बहुत ही बेसिक रूटीन फॉलो करती हूं, फेस वॉश करती हूं, क्रीम लगाती हूं, एंड दैट्स अबाउट इट। तो मैं फेस वॉश के लिए ये ला रोश पोज़े का एफिक्लार फेस वॉश यूज़ करती हूं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये टारगेट पे आपको मिल जाएगा, मैंने ये वॉलमार्ट पे नहीं देखा है, तो टारगेट पे आपको जाके देखना पड़ेगा। और बस मैंने अपनी स्किन को पैट ड्राई किया है, और उसके बाद मैं ओले रीजेनरिस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। डे एंड नाइट मैं बोथ टाइम्स यही वाली क्रीम यूज़ करती हूँ, और रात को मैं इसकी एक थिक लेयर अपनी स्किन पर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रात को स्किन अच्छे से ब्रीथ करती है। और फिर मैं एक हाई पोनीटेल बना लूँगी और लिप बाम लगाऊंगी, और यही एक सिंपल सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन रहता है मेरा।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो. और अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा. आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स एज आई ऑलवेज से. सो फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. चिल्ड्रन यू टेक केयर, बाय. बाय करो, बाय.